हिप्नोथेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी। हनुमान जी की अभी हिप्नोथेरेपी की क्लास है, ये यहाँ आए, इन्होंने काफ़ी रिलीफ महसूस किया, अभी इनका मन काफ़ी अच्छा है। अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो अचेतन मन में दबी हुई हैं, उनको हम हिप्नोथेरेपी के द्वारा डिलीट करेंगे। आप भी इस प्रयोग को करें, आप उन चीज़ों को अज्यूम करेंगे जो आपके मन में बैठी हुई हैं, जो आपको दिक्कत दे रही हैं। खास करके ये कंटेमिनेशन ओसीडी वालों के लिए कारगर वीडियो है। अगर आपको कंटेमिनेशन ओसीडी के अलावा कोई दूसरी वीडियो है तो आप हिप्नोथेरेपी का दूसरा वीडियो देखें, इसमें आप कंटेमिनेशन ओसीडी से संबंधित ही चीज़ें पाओगे। तो अभी हनुमान जी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैं आपको जैसे जैसे निर्देश देता जाऊँ वैसे वैसे करते जाओगे। आपने 100% मेरे ऊपर छोड़ देना है, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना है। और इसमें सबसे ज़्यादा लाभ आप ही को होने वाला है। इससे आपको क्या क्या लाभ होंगे वो मैं पहले बता देता हूँ। एक तो हितेंद्र सिंह से जो घबराहट थी, जो परेशानी हुई थी उस समय, मैं उस समय में लेके जाऊँगा। और उस समय आपको घबराहट महसूस होगी थोड़ी सी, और फिर वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। तो आप उसे याद करेंगे और वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। उसके बाद जो गांव के लोगों से आपको दिक्कत होती है, तो आपको मैं वो इमेजिन करवाऊंगा और वहां से जो घबराहट बेचैनी होती है वो ठीक हो जाएगी। एक बार तो वो सारी इमेजिन करवाऊंगा, वो ठीक होती जाएगी। उसके बाद अंत में मैं ये इमेजिन करवाऊंगा कि आप गांव में पहुंच गए हैं, घर पर पहुंच गए हैं, और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। आप अपनी दुकान बढ़िया से चला रहे हैं, गाँव के लोगों को गले लग कर भी मिल रहे हैं, एकदम ठीक हो चुके हैं। वो सारी चीज़ें आप फील करेंगे, महसूस करेंगे। तो इसके लिए आपने 100% मेरे ऊपर छोड़ देना है, जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा ही करते जाएं, सिर्फ ध्यान मेरे ऊपर और मेरी बातों के ऊपर। तो सबसे पहले आप पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दें, लंबे गहरे सांस लें और छोड़ते जाएं। नाक से गहरा सांस अंदर भरें, बाहर छोड़ दें। नाक से सांस अंदर भरते रहें और बाहर छोड़ दें। जैसे जैसे आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, आपको शांति महसूस हो रही है, आपका पूरा शरीर ढीला होता जा रहा है। जैसे ही सांस बाहर छोड़ते हैं, आपका पूरा शरीर ढीला होता जा रहा है। अब जैसा सांस आता है आने दें, जैसा जाता है जाने दें। अब ध्यान मेरी बातों के ऊपर। अब आप आंखें खोल लें, अब आप मेरी तरफ देखें, मेरी आंखों के बीच में देखते रहें, बिना पलक झपकें मेरी आंखों के बीच में देखते रहेंगे, पलकें बिना झपके देखते रहेंगे, बिना पलक झपके देखते रहें, बिना पलक झपके देखते रहें। वो लाइट भी ऑफ कर दें हैं, ये ऊपर ऊपर वाले जलने दें चाहे। बिना पलक झपके देखते रहें, दोनों पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब आपके दोनों पैर ढीले हो रहे हैं, दोनों पैर और ज़्यादा ढीले हो रहे हैं, दोनों पैर बहुत ढीले हो रहे हैं। अब आपके दोनों पैर पूरी तरह से ढीले होते जा रहे हैं। अब आपके दोनों हाथ ढीले हो रहे हैं, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। अब आपके दोनों हाथ पूरी तरह से ढीले होते जा रहे हैं, दोनों हाथ और ज़्यादा ढीले हो रहे हैं, दोनों हाथ बहुत ढीले हो रहे हैं। अब आपके दोनों हाथ पूरी तरह से ढीले
होते जा रहे हैं। अब आपके दोनों पैर भारी हो रहे हैं, दोनों पैर और ज़्यादा भारी हो रहे हैं। अब आपको दोनों पैरों में भारीपन महसूस हो रहा है, दोनों पैर और ज़्यादा भारी महसूस हो रहे हैं, दोनों पैर बहुत भारी महसूस हो रहे हैं। अब आपके दोनों हाथ भारी हो रहे हैं, दोनों हाथ और ज़्यादा भारी हो रहे हैं, दोनों हाथ बहुत भारी हो रहे हैं, दोनों हाथ पूरी तरह से भारी होते जा रहे हैं। अब आपका पूरा शरीर भारी हो रहा है, पूरा शरीर और ज़्यादा भारी हो रहा है, पूरा शरीर बहुत भारी हो रहा है। अब आपका पूरा शरीर बिल्कुल भारी होता जा रहा है। अब आपकी आंखें भारी हो रही हैं, अब आपकी आंखें और ज़्यादा भारी हो रही हैं, आंखें बहुत भारी होती जा रही हैं, आंखें पूरी तरह से भारी होती जा रही हैं। अब आपकी आंखें थक रही हैं, आंखें और ज़्यादा थक रही हैं, आंखें बहुत थक रही हैं। अब आपकी आंखें पूरी तरह से थकती जा रही है, अब आपको आंखों में बहुत थकान महसूस हो रही है, आंखें बहुत भारी महसूस हो रही हैं। अब ये आंखें बंद हो रही हैं। अब मैं 10 से 1 गिनूंगा, जैसे ही मैं 1 कहूँगा आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आप गहरी नींद में सो जाओगे। जैसे ही मैं 1 कहूँगा आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आप गहरी नींद में सो जाओगे। 10 आपको नींद आ रही है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, आंखें बंद, सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद। अब आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही, गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, गर्दन जिस तरफ जाती है जाने दें, आगे पीछे लुढ़कती है लुढ़कने दें, शरीर को बिल्कुल जाने दें, जिस तरफ जाता है जाने दें, जितना आप रोकने का प्रयास करेंगे उतना ही शरीर गिरता जाएगा, गिरने दें, जिस तरफ शरीर जाता है जाने दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर और ज़्यादा ढीला, पूरा शरीर बहुत ढीला हो रहा है। अब आप और ज़्यादा गहरी नींद में जा रहे हो, इससे भी ज़्यादा गहरी नींद, पूरी तरह से गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद, एकदम गहरी नींद। अब मैं 1 से 5 गिनूंगा, जैसे ही मैं 5 कहूँगा आप बहुत गहरी नींद में सो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, बहुत गहरी नींद। अब आप बिल्कुल गहरी नींद में सो रहे हैं। अब आपके दोनों पैर सुन्न हो रहे हैं, दोनों पैर और ज़्यादा सुन्न, दोनों पैर बहुत सुन्न, दोनों पैर बिल्कुल सुन्न होते जा रहे हैं। अब आपके दोनों हाथ सुन्न हो रहे हैं, दोनों हाथ और ज़्यादा सुन्न हो रहे हैं, दोनों हाथ बिल्कुल सुन्न होते जा रहे हैं। अब मैं 1 से 3 तक गिनूंगा और आपके माथे को प्रेस करूंगा। जैसे ही आपके माथे पर मैं अंगूठे से प्रेस करूंगा और 3 कहूंगा आप बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएंगे, आपका शरीर पूरी तरह से गिर जाएगा। 1, 2, 3, सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद में, सो जाएं बिल्कुल गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद में सो जाएं, पूरी तरह से गहरी नींद, पूरा शरीर सुन्न हो रहा है, दोनों पैर सुन्न, दोनों हाथ सुन्न हो रहे हैं, पूरा शरीर सुन्न,
दोनों हाथ सुन, पूरा शरीर बिल्कुल सुन। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है। इससे भी गहरी नींद में सो जाएं, और ज़्यादा डीप, बहुत डीप स्लीप, पूरी तरह से डीप, एकदम डीप। जैसे जैसे अब आप मेरी आवाज़ सुनते जा रहे हो, वैसे वैसे आप और ज़्यादा गहरी नींद में जाते जा रहे हो। इससे भी ज़्यादा गहरी नींद, बहुत गहरी नींद, बिल्कुल गहरी नींद। जैसे जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मेरी आवाज़ के साथ साथ आप गहरी नींद में जा रहे हो। आपको बहुत गहरी नींद महसूस हो रही है। अब आपका पूरा शरीर सुन, दोनों हाथ सुन, पूरा शरीर एकदम सुन। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप बहुत गहरी नींद में जा रहे हो, डीप एंड डीप, मोर डीपर, और ज़्यादा गहरी, इससे भी ज़्यादा गहरी, बहुत गहरी, बिल्कुल गहरी नींद में जा रहे हो। अब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे हो। अब आपका पूरा शरीर सुन्न हो चुका है, पूरा शरीर सुन्न। ये हाथ बिल्कुल सुन्न, यहाँ से ये हाथ बिल्कुल सुन्न, बिल्कुल सुन्न, पूरा शरीर सुन्न। अब आप बहुत गहरी नींद में, अब आप बिल्कुल गहरी नींद में। आपका मन और ज़्यादा शांत और बिल्कुल रिलैक्स। अब आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। अब आप मेरी आवाज़ बहुत स्पष्ट सुन रहे हो। मेरी आवाज़ आपके अचेतन मन की गहराइयों तक जा रही है। अब आप बहुत गहरी नींद में, और ज़्यादा गहरी, बहुत गहरी नींद महसूस कर रहे हो। अब आप आसमान की तरफ देख रहे हो। आसमान में हल्के हल्के बादल हैं, छोटे छोटे बादल हैं। जैसे ही आप आसमान में बादलों को देखते हैं, बादल गायब हो जाते हैं, और उसी के साथ आप गहरी नींद में उतर जाते हो। अब आप आसमान में बादलों को देखते रहें और साथ के साथ गहरी नींद में जाते रहें। अब आपने एक बादल देखा, वो गायब हो गया, और अब आप गहरी नींद में। ऐसे आप गहरी से भी गहरी नींद में उतरते जा रहे हो, बहुत गहरी नींद में उतरते जा रहे हो। एक एक करके सारे बादल गायब हो रहे हैं, और आप गहरी से भी गहरी नींद में उतरते जा रहे हो। अब आप बहुत गहरी नींद में उतर रहे हो। अब आसमान बिल्कुल खाली, और आप बहुत गहरी नींद में। अब आप बहुत गहरी नींद महसूस कर रहे हो। अब आपका मन पूरी तरह से शांत। अब मैं आपको बचपन की उन यादों में ले जा रहा हूँ, जहाँ से आपकी तकलीफ आरंभ हुई थी। अब उस घटना को आप महसूस करेंगे, उसे आप फील करेंगे, जहाँ से आपकी ओसीडी की शुरुआत हुई थी। आपके मन में जो जो दृश्य उभरें, जैसा आपको महसूस हो, वो आप बोल के बताते जाओगे। जैसे ही आप उसे फील करते जाओगे, बोल के बताते जाओगे, आप उससे मुक्त होते जाओगे। वो दृश्य, वो यादें डिलीट होती जाएंगी। आपके मन से सारी खराब यादें,
आपके याद करने के साथ साथ डिलीट होती जाएंगी और आप बहुत हैप्पी, बहुत खुशी की लाइफ फिर जी पाओगे। अब मैं आपको बचपन की उन यादों में ले जा रहा हूँ जहाँ से OCD की शुरुआत हुई थी। अब आप इमेजिन कर रहे हैं वो घटना जहाँ से आपको बहुत घबराहट, बेचैनी, बहुत डर महसूस हुआ था। उस घटना को इमेजिन कीजिए। अब आपको वो घटना याद आ रही है, अब वो सारे दृश्य आपके मन में उभर रहे हैं। आप उन्हें बोल करके उनसे मुक्त होते जाएं, बोलते जाएं। अब कौन सा दृश्य उभरा है, बोलें, जोर से बोल दें और उससे मुक्त हो जाएं। बोलें, बोलने का प्रयास करें और उससे मुक्त हो जाएं। क्या दृश्य सामने आया, अभी कौन सा दृश्य है? हाँ, बोलते जाओ और आप उससे मुक्त होते जाओगे। अब क्या कर रहा है? आप बैठे हो। हाँ, हितेंद्र सिंह आपसे लड़ाई कर रहा है, वो मार रहा है, अब मार रहा है। अब आप भी उसे एक चांटा मारो, जोर से उसकी गाल पर एक चांटा मारो, जोर से मारो उसकी गाल पर, निशान छप जाए। आपने उसको चांटा मार दिया है, वो रो रहा है, हितेंद्र सिंह रो रहा है। हितेंद्र सिंह क्या कर रहा है? रो रहा है। अब आपने बदला पूरा कर लिया है, जहां से OCD आई थी आज आपने पूरा बदला कर लिया। ये थप्पड़ आपने आज मार दिया है, आज वो बदला पूरा हो गया है और आप उस घटना के दर्द से मुक्त हो गए हो, उस घटना के दर्द से पूरी तरह से आजाद हो गए हो। अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। अब मन में क्या दृश्य आ रहा है? अभी मन में क्या दृश्य चल रहा है? अब आप घर जा रहे हो, बहुत बढ़िया। अब आप घर जा रहे हो, बहुत खुशी है, आप बहुत खुशी, उम्मीद और शांति के साथ घर जा रहे हो। बताइए कहाँ पहुँचे अभी? गली के नुक्कड़ पर पहुँच चुके हैं। अब आगे जा रहे हो, अब जा रहे हो, बोलते जाओ, कंटिन्यू बोलते जाओ, जो जो कर रहे हो, जो जो हो रहा है उसे कंटिन्यू बोलते जाएं। घर में जाके बैठ गए, वेरी गुड। क्या रहा है? गुस्सा आ रहा है, बोल दो किस बात का गुस्सा आ रहा है। हाँ जी, क्यों मारा, उस बात का गुस्सा आ रहा है। अब आप चिल्लाओ कि साले कुत्ते कमीने, तूने क्यों मारा। गुस्से को पूरा निकालो, गुस्से को पूरा निकालो।
अब क्या हो रहा है। हाँ हाँ पापा आए। अब क्या हो रहा है। बैठे हो। बताते जाओ जो जो कर रहे हो। अब क्या हो रहा है। दोस्तों से दुकान जा रहा हूँ। दोस्तों के साथ जा रहे हो। कौन कौन दोस्त हैं। कमलेश कमलेश और गिरीश और भारत वेरी गुड और दुकान जा रहे हो। वेरी गुड। दुकान जा रहे हो। वेरी गुड। दुकान गए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ बोल दिया। हाँ हाँ घर जा रहे हो। गुस्सा है। डर है। डर किस चीज़ का है। वापस आ जाए। अब आप डर का सामना कर रहे हो और बुला रहे हो साले कुत्ते कमीने को कि साले कुत्ते कमीने आ जा मैं तुझे देख लूँगा। उसका सामना करो। अब आप डर का सामना कर रहे हो और उसे बुला रहे हो कि आ जा सामने। गाली निकाल रहे हो। आ जा साले कुत्ते कमीने मैं यहाँ खड़ा हूँ। उखाड़ ले क्या उखाड़ेगा।
आप बस के दिखाओगे, आप डर के कारण गांव नहीं छोड़ सकते, आप बस के दिखाओगे। अर्जुन अगर युद्ध छोड़ जाता तो पांडव कैसे जीतते? आपने इसी गांव में बसना है और डंके की चोट पर बसना है। आप भागने वालों में से नहीं हैं, आप सामना करने वालों में हैं। अब आप बस के दिखा रहे हो, उसी गांव में बस के दिखाओगे, सामना कर रहे हो। अब आपके मन में क्या चल रहा है? दिमाग में डर घुस गया। क्या डर घुसा है? अब आप अपने डर का सामना कर रहे हो और कहो कि साले कुत्ते कमीने, तू जहां आ जाएगा आ जा, मैं तुझे देख रहा हूं। अब आप उसको गाली निकालते हुए बुला रहे हो कि आजा साले कुत्ते कमीने, मैं तुझे देख रहा हूं। अब आप बहादुर इंसान हैं, बहुत बहादुर, बहुत शक्तिशाली हैं। आपके अंदर भगवान ने बहुत सी शक्तियां दी हैं। भगवान का आपके साथ साथ है, हमेशा उसका आशीर्वाद आपके साथ है। आप सामना कर रहे हो, आप डटकर मुकाबला कर रहे हो, बुला रहे हो कि साले कुत्ते कमीने आजा, मैं तुझे देख रहा हूं। अब आपके मन में क्या चल रहा है? गुस्सा आ रहा है, पूरा गुस्सा बाहर निकालें। जिस बात का जो जो गुस्सा है उसे निकालते जाएं। अब क्या चल रहा है? सामने नहीं आ रहा है, सामने नहीं आ रहा है।
सामने लाओ उसको और उसको जला दो, उसको सामने बुलाओ और उसके चेहरे पर थूको कि साले कुत्ते कभी ने। अब आप शांत हो रहे हो, धीरे धीरे पूरा शरीर पूरा मन शांत हो रहा। अब आप शांत होते जा रहे हो। अब सारी बातें सारा गुस्सा निकल रहा है, आप शांत हो रहे हो। अब आपके मन से बचपन की वो सारी बातें धीरे धीरे गायब हो रही हैं, धुंधली होती जा रही हैं। आप पूरी तरह से उनसे मुक्त होते जा रहे हो। वो पास्ट की बातें बीत चुकी हैं, वो सिर्फ यादों के रूप में आपके साथ थी, लेकिन आज वो आपसे दूर जा रही हैं। वो सारी बुरी यादें जो बचपन में आपके साथ हुआ, वो सब कुछ धीरे धीरे धुंधला होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। मन शांत हो रहा है, मन पूरी तरह से शांत होता जा रहा है, मन और ज़्यादा शांत, मन बिल्कुल शांत हो रहा है। अब आपको बहुत शांति महसूस हो रही है। अब आप महसूस कर रहे हो कि आप दुकान पर जा रहे हो, आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, आप सभी गांव वालों से मिल रहे हो, सभी से गले मिल रहे हो, शादी के फंक्शन पर किसी और मौके पर सभी से आप मिल रहे हो, हाथ मिला रहे हो, उनसे गले भी मिल रहे हो। अब आप पूरी तरह से ठीक हो रहे हो, अब आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप कुछ समय तक सबसे मिलते, सबसे बातें करते हुए खुद को महसूस करते रहें, सबके साथ आप हाथ मिला रहे हैं, काम धाम सब कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, परिवार के साथ बहुत खुशी खुशी रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप कुछ समय तक महसूस करते रहें।